जोशीमठ भूधसाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वे कर रही केंद्रीय संस्थानों की रिपोर्ट पर सरकार फैसला लेगी। 2 सप्ताह के भीतर अलग अलग संस्थान रिपोर्ट सरकार को सौंप सकते हैं। रिपोर्ट के बाद कमेटी गठित की जाएगी, इसके बाद कैबिनेट में रिपोर्ट को रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वर्ग का द्वार कहे जाने वाला जोशीमठ धस क्यों रहा है। उत्तराखंड के चमोली में स्थित ज्योतिर्मठ या जोशीमठ को बद्रीनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद बद्री विशाल की मूर्ति को जोशीमठ के वासुदेव मंदिर में ही रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म के महानतम धर्मगुरु माने जाने वाले आदि शंकराचार्य द्वारा ही जोशीमठ में पहला ज्योतिर्मठ स्थापित किया गया था। इन दिनों जोशीमठ के जमीन धंसने के कारण यह चर्चा में है और लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि जोशीमठ का क्या होगा। इसका कारण यह है कि जोशीमठ केवल एक स्थान नहीं है बल्कि यह सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। अब जानते हैं कि जोशीमठ का धार्मिक इतिहास क्या है। जोशीमठ को आदि शंकराचार्य के कारण जाना जाता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी। शंकराचार्य ने भारत में बने 4 मठों में पहले मठ की स्थापना यहीं की थी। इसके बाद से ही इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाने लगा। लेकिन जोशीमठ का धार्मिक इतिहास शंकराचार्य से भी काफी पुराना है। धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नृसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन भगवान नृसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद ने माँ लक्ष्मी के कहने पर फिर से जप तप किया। प्रहलाद के जप के प्रभाव से भगवान नृसिंह का गुस्सा शांत हुआ और इसके बाद वो शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। यह भगवान ऋषि का मंदिर भी है। जोशीमठ के मंदिर में विराजित स्टफिक से बनी भगवान ऋषि की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि भगवान ऋषि की एक बाजू साल दर साल पतली होती जा रही है। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड के सनत कुमार संहिता में लिखा गया है कि भगवान ऋषि के मूर्ति के हाथ की एक बाजू जिस दिन टूटकर गिर जाएगी तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्री विशाल भविष्य बद्री में पूजे जाएंगे। यह स्थान बद्रीनाथ से 19 किलोमीटर दूर तपोवन में है। जोशीमठ से विशेष धार्मिक महत्व तो जुड़ा ही है। इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग जाने का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माणा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हालांकि वास्तविक तौर पर जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है और औली की शुरुआत हो जाती है जिसकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। इस कारण भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि शंकराचार्य द्वारा जोशीमठ की भविष्यवाणी लिखी हुई है, लेकिन आज तक इस भविष्यवाणी को कोई नहीं पढ़ सका। वही आपको बता दें कि जोशीमठ में NTPC के हाइड्रो प्रोजेक्ट संग अन्य निर्माण कार्य पर रोक है। मुख्य सचिव ने बताया सभी रिपोर्टों का निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार की ओर से कमेटी गठित की जाएगी, इसके बाद रिपोर्ट को कैबिनेट में रखा जाएगा। बताया कि केंद्र सरकार ने NTPC प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट भेजी है जो पूर्व में किए गए सर्वे पर आधारित है, लेकिन सरकार केंद्रीय संस्थानों के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर फैसला लेकर काम करेगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।